welcome back to my channel Divo's Lifestyle and I am Divjot. So guys, aaj hai mera birthday and aapko dikh raha hai ye birthday vlog. So guys, abhi birthday party bhi hai and part bhi hai 2 to 5 uski timings hai part ki. Abhi 11 o'clock ho rahe hain. Main ready bhi nahi hui hu part ke liye. Mujhe abhi ready bhi hona hai. To main aapko milti hu. Jab tak aap chalo decoration dekho. कैसी हो रही है मेरी बर्थडे की डेकोरेशन, क्योंकि डेकोरेशन पहले ही हो जाएगी क्योंकि पार्ट के बीच में डेकोरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो डेकोरेशन पार्ट के पहले ही हो जाएगी. चलो देखो डेकोरेशन कैसे हो रही है मेरे बर्थडे की. यहाँ पे लोग मेरा केक काटने के लिए खड़े हैं और यहाँ पे मुझे जो है कैंडल्स को जो है ना लाइट अप कर रही हैं. तो मैं उनको करके देख रही थी क्योंकि लाइक मुझे लग रहा था कि जो केक के ऊपर है वो वैक्स पिघल ना जाए, तो करके मैं पता नहीं कि उनको ध्यान से देखी जा रही थी कि वैक्स तो नहीं पिघल रहा है. एंड मैं उनको बोल भी रही थी कि वैक्स ना पिघल जाए. तो चलो आगे का देखो जो केक कटिंग थी. तो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी दादी को केक खिला रही थी. एंड यहाँ पे मेरे भुजी ने मुझे केक खिलाया. आप इनको पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, ये मेरे पिती भुजी है देहरादून वाले व्लॉग में. एंड ये मेरे डॉली भुजी. तो ये थोड़ी कैमरा शाही है तो करके मैंने इनका फेस जो थोड़ा सा ब्लर किया है, बट कोई बात नहीं, आप इनको बहुत देर बाद देख सकोगे. मुझे पापा केक खिलाने लगे हैं. अभी मैं जिनको केक खिला रही हूँ वो मेरे पापा के फ्रेंड्स के बच्चे हैं. एंड जो वहाँ पे दो बैठे हैं मेरे दूसरे फ्रेंड का लड़का है. तो मैं उन सबको मैं केक खिला रही थी. एंड ये है कमो मासी. तो ये मुझे केक खिलाए थे, मैंने बहुत हेल्प की डेकोरेशन में एंड पार्ट की साफ सफाइयों में. और यहाँ पे मेरी मम्मा ही मुझे केक खिला रही थी. एंड पता नहीं क्यों वो उठ के वहाँ से चली गई एंड वो भी उसके पीछे पीछे चला गया, उसका वो जो भाई था. एंड अब हम नहीं, वो बैठ गया वहीं पर, ओके वो चला गया. तो अब हम यहाँ पे पिक्चर क्लिक करा रहे थे.
डालने लगी थी। वो जो है झांझरे डाल रही है एंड वो दोनों भी आके देख रहे थे, पता नहीं वो क्या ही कर रही है, तो पता नहीं वो इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे। पापा के फ्रेंड जिनके ये बच्चे हैं दोनों, एंड उन्होंने मुझे गिफ्ट में एक बैग दिया था एंड उसके अंदर बहुत सारी स्टेशनरीज थी। यहाँ पे मुझे वो और उनकी वाइफ मुझे वहाँ पे केक खिला रहे हैं, उनके बच्चों ने भी मुझे वहाँ पे मैं केक खिलाया था। हाँ, मुझे वहाँ पे लड़के, उसका नाम हनूत था। मुझे यहाँ पर जाकर केक खिला रहे थे। उन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया गिफ्ट। यहाँ पे छोटा सा बेबी बॉय था, वो भी मुझे केक खिला रहा था एंड उसकी बहन ही मुझे केक खिला रही थी, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया नूर था। सब लोग मुझे केक खिला रहे थे एंड मेरे पापा के एक और फ्रेंड हैं जिनका वो लड़का था, अभी वो भी है मुझे केक खिलाने के लिए। ये जो है जिसने येलो टी शर्ट पहनी हुई है, ये उसके फादर है, मतलब कि मेरे पापा के फ्रेंड, वो भी मुझे यहाँ पे जो है केक खिला रहे थे। बेटा भी मुझे जो है केक खिला रहा था, लाइक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो बिलून है जो कि मैंने आपको जो सुबह दिखाया था, वो गिर गया था एंड जो बड़ा सा बिलून है, उससे बहुत सारी कैंडीज है, बहुत सारी एंड वो सारी कैंडीज हो गई, सारी बच्चों को देने के लिए ही है। अब मैं उसके ऊपर फोड़ूंगी, आप लोग स्लोमो में देखिएगा मैं उसको कैसे फोड़ती हूँ। सर, मैं उसको फोड़ने के लिए कुछ लेके आऊँगी, लगे उसको बलून से भी कह रही थी मैं हाथ से ही फोड़ूंगी क्या, तो करके उसे कुछ कह रही थी वहाँ पर। एंड मैं अभी वहाँ से मैं एक फोर्क जाके लेके आऊँगी किचन से। एंड यहाँ पे मैंने हम लोग तो केक जो है वो गिर गया था एंड बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पकड़ा हुआ था कि उसे गिर ना जाए वो। एंड यहाँ पे बूम, एक बलून फट गया है, तो आपको ये स्लोमो में ही दिखा होगा। एंड यहाँ पे मैं सभी को कैंडीज दे रही हूँ, वहाँ पे जो भी बच्चे आए थे मैं सबको मैं कैंडीज दे रही थी मैं वहाँ पे। एंड जो छोटी सी नूर थी वो तो खुद ही आ गई, एंड जिसका ब्रदर था उसको बुलाया तभी वो आया यहाँ पे, उसका ब्रदर थोड़ा सा शाही है। एंड मैंने उस बॉय को भी दिया जो कि मेरे पापा के दूसरे फ्रेंड के साथ आया था। एंड यहाँ पे मैं खुद भी एक कैंडी खा रही थी क्योंकि मैं भी घर का बंद था, तो मैं भी कैंडी खा रही थी।
मेरी मम्मा यहाँ पर सबको केक दे रही थी एंड मेरी कामियो मासी की भी उनके साथ लग गई थी। तो अभी मैं जो है डांस कर रही थी वहाँ पे ऐसे कोई वहाँ पर सॉन्ग चला रही थी, वहाँ पर मैं डांस कर रही थी। आज मैं आज मेरा मम्मा ने जो है हेयर मम्मा ने मेरे दूसरे वाले बाल दिए थे क्योंकि वो हेयर में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, लाइक उस सुइयाँ वुइयाँ लगी हुई थी उन हेयर में। एंड यहाँ पर डांस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आपको मैं सॉन्ग तो मैं नहीं दिखा सकती मैं किस सॉन्ग पर मैं डांस कर रही हूँ। एंड मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली थी एंड मैं उसको भी बुला रही थी नूर को कि आ जा आ जा आ जा, तो फिर वो भी आ नहीं रही थी। तो फिर उधर उसके पापा कह रहे थे कि हाँ आ जाती है, तो फिर अभी मैं वहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ एंड अभी नूर भी आ गई है मेरे साथ। ओके, तो मैंने अभी जो है कपड़े चेंज कर लिए थे एंड मैंने सिर भी जो बिल्कुल खोल दिया था एंड हनूर भी डांस कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं उसको खड़ के देख रही थी एंड वो डांस कर रही थी। जिस सॉन्ग पे वो डांस कर रही थी मैं आपको वो नहीं दिखा सकती क्योंकि वो एक कॉपीराइटेड सॉन्ग है, तो कहीं कि आप उसको डांस करते हुए देखो। एंड मैं उसको कि वहाँ पर देख रही थी क्योंकि मैं मुझे बहुत ज़्यादा थक गई थी, लाइक डांस बच पहले ही मैंने जो है डांस किया था जब नूर नहीं आ रही थी, अब वो डांस कर रही थी तो करके फिर मैं थोड़ी ये थक गई थी तो मैंने डांस नहीं किया। आई होप कि आपको ये बर्थडे ब्लॉग था फिर तो आई होप कि आपको मेरा बर्थडे ब्लॉग पसंद आया, तो इसलिए अगले ब्लॉग तक बाय बाय।